गुलाब जामुन में पड़ी खटाई, पड़ी पड़ी फट गई रस मलाई। लॉकडाउन की अवधि बढ़ी तो नमकीन पर भी होगी खराब। कोरोना का असर हरमाड़ा मिष्ठान की दुकानों के पास से गुजरते ही हर किसी के मुंह से लार टपक पड़ती है। आखिर टपके भी क्यों नहीं, रस से भरी रस मलाई तो चाशनी से टपकते गुलाब जामुन को देख किसका मन नहीं पिघलता है। फिर नमकीन के शौकीनों के लिए तरह तरह की मिक्स नमकीन तो फुलवड़ी और हींग लहसुन सेब की तो बात ही क्या, लेकिन लॉकडाउन ने महंगी मिठाइयों और नमकीनों से भरे मिष्ठान भंडारों के संचालकों को दोहरी मार झेलने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ सरकार की ओर से एहतियातन कराए गए बाजार बंद के चलते उनका धंधा चौपट हो गया, वहीं दूसरी तरफ दुकानों में भारी मात्रा में पड़ी तरह तरह की मिठाइयों एवं नमकीन के खराब होने का भी खतरा मंडराने लगा है। लॉकडाउन की फिलहाल अंतिम तिथि 13 अप्रैल तक है, ऐसे में उनको काफ़ी आर्थिक क्षति होनी तय है। 22 से बंद बाजार। कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी सहित जिले भर के बाजार जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च से बंद है। इसके अगले दिन से ही प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। इससे मिष्ठान भंडार नमकीन की दुकान सहित समस्त बाजार बंद है। लॉकडाउन के दरमियान आवश्यक सेवाओं के तहत दवा, किराना, सब्जी आदि कुछ प्रतिष्ठान तो खुल गए पर मिष्ठान भंडारों की दुकानें बंद है। स्थिति यह है कि शहर सहित जिले भर के मिष्ठान भंडारों की दुकानों में तरह तरह की बेसन, मावे एवं ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयां तो नमकीन भरी पड़ी है। सामान खपाने के लिए वह दुकान पर भी आना चाहे तो लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद होकर नुकसान की भरपाई करने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान।